ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਖੜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। सुनील जाखड़ जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं अपनी ओर से और पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हम सब के लिए खुशी का विषय है कि सुनील जाखड़ जी जो एक अनुभवी नेता और जिन्होंने लगभग 3.5 दशक राजनीति में एक अपना स्थान बनाया है, ऐसे व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आपने कई जिम्मेवारियां निभाई हैं, प्रदेश के कांग्रेस के एक समय अध्यक्ष भी रहे, एलओपी भी रहे, लोकसभा में भी रहे, विधानसभा में लंबे अरसे तक रहे और एक अपनी खास छवि पार्टी से अलग हट करके आपने स्थापित की और किसानों के नेता, युवाओं के दिलों में जगह एक ईमानदार छवि के साथ आपने कई जिम्मेवारियों पर काम किया है। आज मैंने आप सबसे पहले भी कहा था कि पंजाब में राष्ट्रवादी ताकतों का जो प्रथम स्थान है वो भारतीय जनता पार्टी ले रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा साहब, जो आपने मुझ जैसे व्यक्ति को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके साथ उनकी सहमति से मुझ जैसे व्यक्ति को आज अपनी पार्टी में शामिल होने का ये मौका दिया। मैं आभारी हूं मंच पे जो मौजूद हमारे प्रभारी अनिल बालूनी जी हैं। मैं आभारी हूं खास तौर पे प्रवेश वर्मा जी का, जो खास तौर पे इस मौके पे यहां पहुंचे हैं। मैं आभारी हूं अरविंद खन्ना जी का, मैं आभारी हूं मनजिंदर सिंह सरसा जी का, मैं आभारी हूं परमिंदर जी का कि आप सबके सहयोग से आज इस बीजेपी के मंच पे नड्डा साहब की हाजिरी में बीजेपी में शामिल होने का मौका आपने दिया। धन्यवाद नड्डा साहब। आप सभी ये कोई कोई आसान काम नहीं होता। 50 साल का संबंध मेरा कांग्रेस से है। हमारी 3 पीढ़ियां कांग्रेस पार्टी में सन 1972 से लेकर आज 2022 तक हमने पार्टी को अपना परिवार समझ के अच्छे बुरे समय में साथ रहे हैं। और एक चीज जो मैं समझता हूं, जिसकी वजह से, जिस आत्मीयता से और जिस खुले दिल से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने और नड्डा साहब ने आज मिलने को मौका दिया, उसका सबसे बड़ा कारण था कि सुनील जाखड़ ने राजनीति को निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया। सुनील जाखड़ ने कभी तोड़ने का काम नहीं किया। हमने सभी हमेशा कोशिश की है, शायद सफलता ना मिली हो, जोड़ने का काम किया है। और मैं एक ऐसे सूबे से संबंध रखता हूं, एक ऐसे प्रांत से आता हूं जो गुरुओं, संतों, पीर पैगंबरों की धरती मानी जाती है।
अगर राष्ट्रीयता की बात, जैसे नड्डा साहब ने बार बार जिस बात को इम्फेसाइज किया है, आज अगर जहां देश की जरूरत राष्ट्रीयता की भावना की है, वहां अगर राष्ट्रीयता कहीं से चालू होती है, जिसे कहते हैं ऊर्स्प्रुंग, द बेसिक जेनेसिस राष्ट्रीयता, वो तभी पैदा होती है जो समाज में राष्ट्रीयता की भावना हो, एकजुटता की भावना हो। और पंजाब का मूल मंत्र ये रहा है, गुरु साहब ने, गुरु नानक देव जी ने सर्वसांझीवालता की बात कब की थी, आज भी उस पर पहरा देने के लिए पंजाबी उसी तरह तत्पर खड़े हैं। अगर सुनील जाखड़ ने आज एक परिवार से 50 साल का रिश्ता तोड़ने की नौबत आई, तो कोई आधारभूत बातें थी, किसी कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था। झगड़ा राष्ट्रीयता को लेके, पंजाब की अखंडता को लेके, पंजाब की जो भाईचारा है, भाईचारक सांझ है, जिसको कि टेररिज्म AK-47 की गोलियां नहीं तोड़ पाई। जहां आपसी भाईचारे में, चाहे वो सिख हो चाहे हिंदू हो, उनके अंदर किसी किस्म का कोई द्वेष की भावना पैदा नहीं हुई। 25,000 से ज्यादा पंजाबियों ने कुर्बानी दी, पर आप भी गवाह हैं, सब पड़ोसी दे, आपका तो पड़ोसी सूबा है, आप तो जब हिमाचल से चलते हैं पंजाब के बीच में से होके जाते हैं, कभी भी कोई फर्क नहीं आया, किसी किस्म का कोई किसी सोच ही नहीं आई। और उसी राष्ट्रीयता की भावना के लिए पहरा दे के सुनील जाखड़ ने अपनी 50 साल की जिंदगी का वही मूल मंत्र था। परंतु दुख इस बात का है, मैं बड़े भरे मन से ये कह रहा हूं कि आज जब अपने परिवार से नाता तोड़ के दूसरी जगह जब मैं आया हूं यहां पे, तो उसका कारण यह था कि सुनील की आवाज, सुनील को इस बात के लिए कटघरे में खड़ा किया गया कि उसने इस बात का विरोध किया कि आप पंजाब को जाति पाति धर्म के नाम पे नहीं तोड़ सकते, पंजाब को आप परसेंटेज में नहीं दे सकते कि ये अमुक जो धर्म है, अमुक जाति है, अमुक समुदाय है, उसकी परसेंटेज कितनी है, 30% है, 40% है, 15% है। मैं समझता हूं पंजाब एक सूबा है जिसने देश के लिए टेम्पलेट हैज एस्टेब्लिश्ड अ टेम्पलेट फॉर द कंट्री, एवरी सिंगल सिटीजन हैज द सेम राइट एज एनीबडी एल्स, सबको बराबरी का, देयर इज नो सेकंड क्लास सिटीजन इन पंजाब। और इस भावना को लेके पंजाब अग्रणी सूबा रहा है, चाहे वो हमने देश की सीमाओं पे लड़ाई लड़ी है, चाहे देश के विकास में, हर सूबे प्रांत में पंजाब ने अपना नाम कमाया है। कुछ लोग बात करेंगे क्योंकि हुआ क्या, कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है कि एक व्यक्ति ने बोल दिया और संबंध टूट गया, वो कहना कच्ची यारी है, नहीं सर, इस तरह नहीं टूटा करती, ये कोई शीशा नहीं है जो 50 साल का संबंध है, कहते हैं कोई शीशा नहीं है कि पहले हम इंसान हैं, हमने रिश्तों को निभाया है असूलों की तरह, पर जब असूल ही टूट जाएं, जब हम अपने सिद्धांत से हट जाएं, अपनी आइडियोलॉजी से हट जाएं, तो मैं समझता हूं दिस इज अ राइट टाइम टू हैव अ रीथिंक। उसको सारा सोचना पड़ता है कि हम जा किस तरफ रहे हैं, आज किस तरफ बढ़े जा रहे हैं, तो उसको लेके मैं समझता हूं कि निर्णय लिया गया। और क्यों निर्णय लिया गया, बीजेपी के पास मैं क्यों बीजेपी के आपके यहां आज मंच पे बैठा हूं। सब तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी सुनील को लेके, कयास लगाए जा रहे थे, क्यों बड़ा स्वाभाविक था, जिस दिन से नड्डा साहब, आपने देखा कि मैंने गुड बाय बोला, मेरी तरफ से तो गुड बाय 11 तारीख को, जिस दिन मैंने देख लिया कि आवाज के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं, तो आवाज नहीं रोकी जा सकती। सुनील को आप पद से हटा सकते हो, किसी से दूर कर सकते हो, सुनील की आवाज गिरवी नहीं रखी जा सकती, आवाज राष्ट्रीयता के लिए उठेगी। परंतु क्या कारण बने ना साहब, मैं आज कुछ बातें आपसे शेयर, आपके पास अगर, मुझे पता आपको जयपुर भी जाना है, पर 2 मिनट में लूंगा आपके कीमती समय के। पार्लियामेंट के अलावा मुझे 1.5 साल पार्लियामेंट में काम करने का मौका मिला सरसा जी, पर उसके बाद पार्लियामेंट से बाहर मेरी मुलाकात हुई माननीय प्रधानमंत्री से, जब वो पंजाब आए, करतारपुर कॉरिडोर एक बहुत लंबे समय की मांग, बलूनी जी, जो सारे सिख समुदाय की नहीं, पूरे पंजाबियों की, जो भी व्यक्ति पंजाब से प्रवेश जी जुड़ा हुआ, सबका था कि हमें करतारपुर साहब जाके हमें अपनी बात श्रद्धा नमन करने का, उसकी संभाल का, उस हमारे गुरु घर का हमें को मौका मिले। उस समय यह सौभाग्य था कि मुझे वहां पे प्रधानमंत्री जी के पास बैठ के गुरु का लंगर छकने का मौका मिला।
उनसे बात करने का मौका मिला, उनकी भावनाएं समझी। वो तो एक मुलाकात थी, एक मुलाकात से 50 साल के संबंध नहीं टूटते, परंतु मेरा हमेशा ये भावना रही है कि पंजाब कुर्बानियां बहुत दी हैं, टेररिज्म के अंदर कुर्बानियां दी है, देश की रक्षा के लिए जब भी मौका पड़ा है, चाहे जब से धाड़वी पंजाब आने लगे हैं, चाहे उसके बाद पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, हर पंजाबियों ने कुर्बानियां दी हैं। और उस कुर्बानियों के चलते मेरे एक मानना था हमेशा ही कि भी मौका लगा तो प्रयास करेंगे कि पंजाब को एक स्पेशल स्टेट का स्टेटस दिया जाए। नड्डा साहब, कागजों में तो अभी फॉर्मली नहीं दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनली तो नहीं दिया गया, बहुत सी मजबूरियां, सरकारों की वक्त की मजबूरियां होती हैं, परंतु मेरा मानना है कि व्यवहारिक तौर पे माननीय प्रधानमंत्री ने पंजाब को स्पेशल स्टेटस दे दिया। और उसका जीता जागता सबूत है जब माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले पे हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश दिवस मनाया, तो मैं समझता हूं कि उनके जो सबसे ज्यादा कट्टर विरोधी थे उन्होंने भी अपने दिल में स्वीकार किया कि वो पंजाब की नबज समझ गए, पंजाब की जो भावना है कि पंजाबी मिलजुल के मानस की जात सब एक को पहचान बे, कहां कश्मीर के पंडितों को लेके चाहे आज तक संघर्ष चल रहा है, कब गुरु साहब ने यहां पे इन मुगलों के पास आके अपनी कुर्बानी दी थी। और मैं समझता हूं उस भावना को नमन है, उस भावना को जितना भी कहें, चाहे बहुत से माननीय प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत से ऐसे काम किए हैं, पर एक पंजाबी के तौर पर मैं, शायद किसी को अच्छा ना लगे, मैं समझता हूं ये जो उनका एक कदम था, ये एक इज अ लैंडमार्क, इसने अपने आप लोगों की भावनाएं, लोगों की आज भावनाएं उनके साथ जुड़ी। और मैं समझता हूं कि आज मेरा यह सौभाग्य है कि पंजाबी होने के नाते और गुरु साहब की उस धरती से आते हुए, जैसे गुरु नानक देव जी के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि फिर उठी सदा आखिरी एक तौहीद की पंजाब से, मर्दे कामिल ने जगाया हिंद को एक फिर ख्वाब से। आज मैं समझता हूं फिर वही भावना पंजाब से लेके यहां पे, उस भावना, उस अलग की, उस ज्योति की एक, उसको लेके मैं आज बीजेपी में आया हूं। और मैं समझता हूं कि आप लोगों के सहयोग, आपके मार्गदर्शन, माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में अगर मैं रत्ती भर भी देश में और पंजाब के लिए उस अखंडता को कायम रखने में कामयाब होता हूं तो मेरा जीवन सार्थक मैं मानूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे।